नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपना देव के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं राजस्थान के उन देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी सारी है और लोग मान्यताओं के लिए उनके दर तक पहुंचते हैं। ऐसी ही एक माता है करणी माता, जिनको चूहों की देवी भी कहते हैं। आइए जानते हैं चूहों की देवी करणी माता के बारे में कि आखिर उनका प्राकट्य और उनके बारे में क्या क्या आस्था है। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी खासियत और आस्था के कारण पूरे देश में मशहूर है। इन्हीं मंदिरों में से एक है बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूती और मुगली शैली में लगभग 15वीं से 20वीं सदी में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। मंदिर में 1999 में हैदराबाद के कुंदन लाल वर्मा ने भी कुछ मंदिर का विस्तार किया था। मां करणी मंदिर तक पहुंचने के लिए बीकानेर से बस, जीप और टैक्सियां आसानी से मिल जाती है। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ही है ये मंदिर। वर्ष में दो बार नवरात्र पर, चैत्र और आश्विन माह में इस मंदिर पर विशाल मेला भी लगता है। तब भारी संख्या में लोग यहां पहुंचकर मनौतियां मनाते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएं भी है। करणी माँ की एक कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या की कथा है, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी हुई बताई जाती हैं, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती है। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी ज्योतिर्लीन हुई। संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से यहां श्री करणी माता जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। करणी जी का अवतरण चारण कुल में संवत 1444 अश्विन शुक्ल सप्तमी शुक्रवार तदनुसार 20 सितंबर 1387 ईस्वी को सुआप जोधपुर में मेहाजी किनिया के घर हुआ था। करणी जी ने जनहितार्थ अवतार लेकर तत्कालीन जांगल प्रदेश को अपनी कार्यस्थली बनाया। करणी जी ने ही राव बीका को जांगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मानव मात्र और पशु पक्षियों के संवर्धन के लिए देशनोक में 10,000 बीघा ओरण की स्थापना की थी। करणी माता ने पूगल के राव शेखा को मुल्तान के कारागृह से मुक्त करवाकर उसकी पुत्री रंग कवर का विवाह राव बीका से संपन्न करवाया था। करणी जी की गायों का चरवाहा दशरथ मेघवाल था। डाकू पेथड़ और पूजा महिला से गायों की रक्षार्थ जूझकर दशरथ मेघवाल ने अपने प्राण गवा दिए थे। करणी माता ने डाकू पेथड़ व पूजा महल का अंत कर दशरथ मेघवाल को पूज्य बनाया, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस समय हम हैं चूहों की माता जी के नाम से प्रसिद्ध करणी माँ मंदिर में और जानते हैं कि क्या महिमा है, क्या प्राकट्य है, किस तरह से हुआ। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं रवीश। रवीश जी, किस तरह का महिमा है माँ की और इनकी कहानी क्या है प्रकट होने की, ये मंदिर बनने की? पिछले 600 सालों से राजस्थान के लिए बहुत चमत्कारी और लोक सामान्य में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है श्री करणी माता का, और विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है अपने काबों के लिए, जिसे सामान्य भाषा में चूहे कहा जाता है। करणी माता के जन्म के बाद से ही उनके चमत्कार, उनके पर्चों के कारण राजे रजवाड़ों तक तथा सामान्य जनता में उनकी बहुत प्रसिद्धि रही और लोगों में उनकी बहुत मान्यता रही, जिसके कारण आप देख रहे हैं आज कितनी भीड़ हमेशा इस मंदिर में लगी रहती है। 600 साल पहले करीब जोधपुर के सुआप गांव में माता जी का जन्म हुआ था और बचपन से ही उन्होंने छोटे मोटे समाज के कार्य, सामाजिक सुधार के कार्य, पारिवारिक कार्य और कई ऐसी गतिविधियाँ की जिसके कारण उनकी इतनी मान्यता फैली। किस तरह से उनका एकदम से कि यूँ कहें पिछड़ी जाति के लिए काम किया, फिर एक दशरथ जी मेघवाल का भी जिक्र आता है उनके साथ, एक उन्होंने युद्ध भी लड़ा, तो थोड़ी सी कहानियाँ बताएं ताकि दर्शकों को जिनको ध्यान नहीं उनको। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 600 साल पहले एक दलित व्यक्ति को अपनी गायें चराने के लिए माता जी ने रखा, 600 साल पहले ये घटना बहुत असामान्य है।
और आज भी दशरथ मेघवाल की मूर्ति मंदिर में लगी है और उनकी आरती और पूजा की जाती है। तो समाज सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रेरित करने वाला कार्य था जो उन्होंने उस जमाने में किया था। उसके अलावा बीकानेर और जोधपुर दो किलों की नींव उन्होंने अपने द्वारा रखी और लोक सामान्य के बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे उनकी प्रसिद्धि बहुत फैलती चली गई। जहाँ तक युद्ध का जिक्र किया तो राव शेखे को बचाना है, एक कान्हा का वध करना है, जो भी आतताई थे उस जमाने के जो अत्याचारी लोग थे उनको सामान्य जनता को उनसे मुक्ति दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। श्रद्धालुओं का मत है कि कर्णी देवी साक्षात माँ जगदम्बा की अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है वहां पर एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छानुसार उनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देखकर मन दंग रह जाता है। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं, वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते रहते हैं लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्रीकर्णी देवी का ये मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। एक और चीज आती है कि एक परिक्रमा लगती है, तो परिक्रमा का मतलब प्रादुर्भाव कैसे हुआ? वो और कहते हैं कि शायद ये जो चूहे पहले नहीं थे लेकिन वो परिक्रमा जब शुरू हुई या उसके बाद उस समय ये चूहे यहाँ आने शुरू हो गया। ये एक जो देपावत दो बेटे थे उनकी बहन के, उनसे कोई संबंध, तो क्या कहानी है? जहाँ तक परिक्रमा का संबंध है तो परिक्रमा के लिए
माँ करनी का पूरा जीवन गायों के प्रति समर्पित रहा। तो उन्होंने देशनोक गांव में करीब 10,000 से 15,000 बीघा जमीन गोचर के लिए छोड़ी और समय के साथ धीरे धीरे लोगों के उस गोचर के प्रति मान्यता बनती चली गई और उस गोचर की परिक्रमा लगाना एक तरह से करनी माता की परिक्रमा लगाना माना जाता है और इस कारण से इसकी प्रसिद्धि फैलती चली गई। और आने वाले अगले महीने कार्तिक 14 को बहुत बड़ी परिक्रमा लगती है, इसमें करीब 5-6 लोग इकट्ठे होते हैं एक ही रात्रि के लिए। और जहाँ तक काबों की कहानी की बात है तो ऐसी मान्यता है कि माँ करनी का एक पुत्र लाखन कपिल मुनि के आश्रम यात्रा करने गए और उस तालाब में डूब गए। माँ करनी ने वापस, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी मान्यता है कि यमराज से उनको वापस लेके आए तो यमराज ने कहा यहाँ आने के बाद कभी कोई वापस नहीं गया और अगर आप अपने पुत्र को यहाँ से वापस ले जाएंगे तो आपके आने वाले वंशजों के लिए मेरे यहाँ के रास्ते बंद हैं। तो माँ करनी ने कहा मैं आई हूँ, आज तक कोई माँ अपने पुत्र को लेने के लिए आपके द्वार तक नहीं आई है और जहाँ तक मेरे पुत्रों का वापस आपके यहाँ आना है तो मेरे पुत्र अब आपके यहाँ नहीं आएंगे, मेरे मंदिर में ही काबे बनकर रहेंगे। और तब से ये मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका देहांत होने पर ये काबों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, चूहों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। करणी माता की कृपा इतनी है कि ये कहा जाता है कि जोधपुर और बीकानेर की स्थापना भी करणी माता द्वारा ही करवाई गई थी। करणी माता के वंशजों में एक गजेंद्र सिंह का कहना है कि माता करणी के प्रताप के कारण ही जोधपुर के मेहरानगढ़ की स्थापना हो पाई। कहते हैं कि जोधपुर और बीकानेर में जो स्थापना थी उनमें इनका इम्पोर्टेंट रोल था, तो वो किस तरह से था? देखिए उस समय क्या है, पूरे पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति थी, लोग आपस में लड़ते थे और इसलिए अक्सर करणी माता का जन्म सभी धर्मों का कल्याण कर लेने के, जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए उस समय करणी माता ने बहुत बार कार्य किया था। उस समय क्या है कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ये तीनों राजाएं आपस में लड़ते थे, तो करणी जी ने सर्वप्रथम बाटी और राठौड़ में रिश्ता तय करवाया था। करणी जी ने राव शेखा की लड़की रंगकुंवरी का रिश्ता राव बीका से करवाया था और बीकानेर जो जूनागढ़ फोर्ट की नींव करणी माता की कृपा से लगी है और जोधपुर जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो चिड़ियाकूट पहाड़ी पे बना है और वहाँ क्या है कि चिड़ियानाथ बाबा रहता था, तो राजा लोग दिन में ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे, तो एक दिन वो चिड़ियानाथ बाबा है कि अपने जादू के प्रभाव से वो सारा तहस नहस कर देता, तो उनके कोई पार नहीं पड़ी, तो वो करणी जी के पास थे, तो करणी जी ने कुछ आँखें और एक चरणामत दिया, इसका मतलब छिड़काव कर देना, आँखें बरसात कर देना, तुम्हारे मतलब उसके जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर वो जूनागढ़ मेहरानगढ़ फोर्ट बन गया था। तो मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव करणी माता की कृपा से लगी है, जूनागढ़ फोर्ट की नींव करणी माता की कृपा से लगी है, बीकानेर तो करणी माता ने बसाया था, बीका जी की शादी तक करणी माता ने करवाई थी। यह भी अचरज की बात है कि 600 सालों बाद भी चूहों की संख्या नियंत्रित है, इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में न बदबू आती है न कोई बीमारी फैलती है। और इन चूहों से जुड़ी एक बहुत विशेष खासियत यह है जो विज्ञान के तर्कों को चुनौती भी देती है, पिछले 600 सालों से इन चूहों का अस्तित्व इस मंदिर में बना हुआ है लेकिन इनकी संख्या में ना तो कोई अप्रत्याशित बढ़ोतरी है और ना ही कोई अप्रत्याशित कमी है, वरना चूहा एक ऐसी ब्रीड है जिनमें मल्टीपल रूप में ब्रीडिंग होती है। 600 सालों में इतने चूहे होते शायद बीकानेर जिला पूरा भर जाता, लेकिन माँ की असीम कृपा और चमत्कार है कि उनकी संख्या नियंत्रित स्थिति में है 600 सालों में सब कुछ होने के बावजूद भी। अच्छा एक और है कि वो सफ़ेद चूहा, वो उसकी क्या मान्यता है? ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद काबा जो है, जो माँ के परम भक्त रहे हैं या जो पुण्यात्माएँ रही हैं, वो सफ़ेद काबे के रूप में इस मंदिर में विचरण करती है और उनका दर्शन बहुत शुभ माना जाता है और बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो रवि जी ने बताया कि किस तरह से जो काबों की कथा है कि ये जो काबे हैं या जो चूहे हैं ये माँ करणी के वंशजों में से हैं, उनके पुत्रों में से हैं और जो सफ़ेद चूहा है उसका देखना यहाँ पर शुभ माना जाता है। गजेंद्र सिंह के अनुसार यहाँ बहुतायात में दिखने वाले चूहे जिन्हें काबा यानी करणी के बालक कहा जाता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि मंदिर के बाहर और अंदर रहने वाले काबा उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के आधार पर ही अंदर और बाहर है। यही नहीं, गोचर के चारों ओर लगने वाली परिक्रमा में लाखों लोग भाग लेते हैं, फिर भी आज तक कोई घटना नहीं हुई, इसको भी यहाँ के लोग माता करणी की कृपा ही मानते हैं। मेरे पास ही रहेंगे। फिर गणेश, करणी माता ने गणेश जी के वाहनुमा आकृति, चूहे की सिर्फ आकृति को चुना, फिर यहाँ कुछ काबे बना दिए, चूहों को सिर्फ चूहा नहीं, इनको बोलते हैं काबा, काबा मतलब करणी माता के बच्चे, करणी बालक। अभी हम जो करणी जी के परिवार से हैं, 4 लड़कों का परिवार है, हमारा टर्न बाई टर्न में पूजा करते हैं, हमारा नंबर आता है, 4 लड़कों के परिवार की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है। करणी जी के पति का नाम था देपो, जिसलिए हम देपोत लगाते हैं। 5,000 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारा नेक्स्ट रीबर्न इन काबों के रूप में होता है। इसी मंदिर के अंदर हमारा स्वर्ग नरक है, जैसे मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मैंने जीवन का
काल में अच्छे कर्म किए तो माता जी के मूर्ति के पास रहूँगी और रहूँगा, अगर मैंने बुरे कर्म किया तो मैं बाहर रहूँगा। बाहर वाला काबा अंदर नहीं जाता, अंदर वाले काबे बाहर नहीं आते। तो ये सब ये थे। और माता जी के जो चार बेटे हैं जिनको कहते हैं, उनके परिवार से हैं, और आस्था है कि यदि इस परिवार में से किसी का निधन होता है तो वह फिर यहाँ पर काबा के रूप में जन्म लेता है और यहाँ पर रहता है। तो एक बड़ी आस्था है, पूरे भारत में भी बड़ी आस्था है। और सबसे बड़ी बात कि इन चूहों की जो संख्या है वो नियंत्रित है, अनियंत्रित कभी नहीं हुई है। यात्री आते हैं, वो धोक माया के धोक लगाते हैं, आस्था तो उनके प्रति यात्री आते हैं, लेकिन हमारे जो धोक माया के जो हमारे ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में चेयरमैन साहब जितने मेंबर हैं, प्लस हमारे नवरात्रा के अंदर कम से कम 400-500 हमारे देपावत ऐसे युवा लड़के हैं, वो पूरा इस बार मैनेजमेंट पूरा यात्रियों को पूरी एकदम कोई तरह की समस्या नहीं। एक वो जो परिक्रमा होती है जिसमें 4-5 लाख आदमी आते हैं, अभी होने वाली है, तो उसमें भी सुना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, तो उसकी उसकी सुरक्षा या उसकी जो व्यवस्था उसका थोड़ा सा बताया। उसकी सुरक्षा तो मेन भगवती है करने वाली, और उसकी सुरक्षा इंसान से हो नहीं सकती, और बाकी है वो होती है वो ट्रस्ट की तरफ से जो भाई लोग हैं गांव के, और सबका सहयोग है उसमें, वो मेन भगवती का ही योगदान है। यहाँ दिखाई देने वाले चूहों का कौतूहल देश के अनेक हिस्सों से श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींच लाता है और यहाँ पर अपनी मन्नत भी मांगते हैं। करणी माँ की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। कुछ हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब आए कहाँ से हैं? हम पाली डिस्ट्रिक्ट सोजस से आए हैं, पाली जिले। पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? पहली बार आया हूँ मैं, और यहाँ आके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और चूहे वगैरह क्या, क्या क्या पता लगा, क्या चीज़ यहाँ खींच के लाया? पहले से ऐसा सुना हुआ था कि करणी माता का मंदिर यहाँ पर बहुत ही धार्मिक स्थान है और माता जी का बहुत ही पर्चा है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि यहाँ पर आने की, तो मैं यहाँ पर सालासर जाके फिर यहाँ पर करणी माता के लिए दर्शन करने के लिए आया था। अच्छा, किस विशेषता के बारे में सुना था आपने? मैं तो यहाँ विशेषकर चूहों के बारे में सुना था कि यहाँ पर मंदिर में जाने के बाद में कह रहे चूहे किसी के पाँव पे या लग जाए तो यहाँ पर बहुत ही किस्मत वाला होता है। हाँ। तो इसी वजह से मैं आया था। और अच्छा, वो कहते हैं कि एक सफ़ेद चूहा जिसको काबा हाँ। भी कहते हैं, वो दिखता है, दिखा आपको? हाँ, वो मेरे को सफ़ेद बस मेरे को दिख नहीं पाया। हाँ। लेकिन करणी माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा यहाँ पर आए तो। सफेद चूहा जिसको काबा कहते हैं वो दिखता है, तो दिखा आप लोगों को? दिखा, दिख गया आज? दिखा, आज दिख गया। तो क्या मान्यता है उसकी? उसकी मानता है, उसे देख लेते हैं तो शुभ दर्शन मानते हैं उसके लिए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। माता जी का दर्शन हो गए, माता जी का दर्शन हो गए, वो अगर वो दिखाई दे जाए तो। अच्छा, ऐसा कहते हैं तो मतलब आज आपको दिखाई दे? हाँ, आते रहते हैं आप लोग? आते रहते हैं, साल में एक बार, साल में एक बार आते हैं माता के दर्शन करने, दर्शन भी अच्छी तरह से हो गए हमें। तो क्या क्या मान्यता है आप लोगों की यहाँ पर, और क्या कुछ मतलब इनकी इतनी सारी प्रसिद्धि है तो कारण क्या है प्रसिद्धि? यहाँ पे आते हैं तो मन को शांति मिलती है, ऐसे एक नई ऊर्जा का एहसास होता है यहाँ पे आने से। अच्छा, तो कभी कोई मनोकामना, ऐसी कोई मनोकामना है जो होती है? जैसे हमारे दुकान वगैरह में अगर ज़्यादा वो चूहे बढ़ जाते हैं तो माँ का नाम लेते हैं तो चूहे भाग जाते हैं अपने आप। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पे दर्शन करने जरूर आते हैं। चलिए, सारा चूहा, बहुत सारा चूहा, आप खाना डाल देता है और वो खा जाता है। प्रसाद के थाली पर चूहा है। ये माता का एक नियम है, चूहा के लिए खाना दो, और इसके लिए तुम्हारा कौन मैंने क्या लग रहा है आप लोग ऐसा किया, अरेंज किया, और
ये जानवर को खाना हमारा भी बहुत यह है, ये जानवर को खाना देने का, इसको पालने के लिए बहुत हमारा बहुत अच्छा लगता है। अरे यहाँ आके हम लोग कलकत्ता से आया, बहुत खुश है ये आप लोग सुख। हाँ इसका इतना इतना लालन पालन किया जो हम लोग वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ राजस्थान में पहली बार आया है, आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो क्या मान्यताएं सुनी थी, किस तरह का सुना था इस माँ के लिए आपने? मान्यता ये है जो सबका भलाई हो, अच्छा हो। हाँ और सबके सुना है जो बहुत फेमस है, जो वर्ल्ड में एक ही है चूहा मंदिर है। हाँ तो इसलिए देखने के लिए आया है। तो आपको कहते हैं कि वो सफ़ेद चूहा दिखता है तो अच्छा होता है, आपको दिखा? हाँ, लेकिन सुना है दो सफ़ेद चूहा है। हाँ। लेकिन मुझे देखा नहीं। अच्छा देखा। हाँ तो बोलता है ये सफ़ेद चूहा देखने का नहीं कि लकी होता है, शुभ होता है। हाँ यही सुना है। चूहे वाले माता जी के नाम से प्रसिद्ध इन करणी माँ के दर्शन करने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं और उनकी मान्यता और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं माँ करणी माँ भी उन्हें पूरा करती है। कहते हैं कि माँ करणी ने आज से 600 साल पहले भी सामाजिक समरसता के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और गौ संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया है और उसकी झलक इस मंदिर परिसर में भी कई जगह पर मिलती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे मंदिर या किसी देवी देवता के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।